गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मोनिका शर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, नई क्लास के लिए, क्लास सिक्स। और क्लास सिक्स का आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के अंदर जो आपका बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साइन लैंग्वेज। अभी साइन लैंग्वेज क्या है, देखो बेटा, जैसे हिंदी इंग्लिश की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, वैसे मैथ्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। और इस मैथ्स की लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको साइन लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल समझाऊँगी जो बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा रूल है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ बोर्ड मास। आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा। जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी बहुत लंबी कोई कैलकुलेशन आ जाती है और जब उस कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास, इसको जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या होगा, बी, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलेगा, मतलब हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही चलेगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देके समझाती हूँ। आपको मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको कोई नंबर दे दिया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक सिंपल सी इक्वेशन है और आपको इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो हमें नहीं पता, हमें एक साथ बहुत सारे साइन यहाँ पर दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, तो इसे हमें नहीं पता किस तरीके से करना है। तो जब